समझ के, क्योंकि आज आपने राजनीतिक वार नहीं किया है, आज आपने मेरी आस्था के ऊपर वार किया है, और आस्था के ऊपर जिसने वार किया है वो हमेशा उसने मुंह की खाई है, और आपको भी इसका जवाब भी देना पड़ेगा, समाज को भी देना पड़ेगा, तमाम हिंदू धर्म को भी देना पड़ेगा। छोड़ दीजिए अपने आप को हिंदू शेर नहीं बोलने का, या हो सकता है शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज टेक्निकल है, शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज। मैं आठवीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए, तो ये टेक्निकल चीज है, ये टेंडर बिल्कुल कैंसिल होके रहेगा, और ऐसा स्टंट इलेक्शन के समय करना ऐसे लोगों की आदतें होती है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, मीरा भाईंदर अंतर्गत दो विधायक, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और वर्तमान विधायक गीता जैन, आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते आपको दिखाई दे जाएंगे। इनके बीच वाद विवाद हमेशा से दिखाई देता है। अभी भी जब चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में दोनों में काफी वाक युद्ध जारी है। और इसी बीच एक खबर जो निकलकर सामने आई मीरा भाईंदर से, उसमें एक बार फिर इनके बीच आपसी वाक युद्ध छिड़ गया है। वीडियो के माध्यम से दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दरअसल मामला है मीरा भाईंदर अंतर्गत महानगर पालिका द्वारा मीरा भाईंदर के उत्तन में प्रस्तावित बूचड़ खाने के लिए टेंडर निकाले जाने का। यह टेंडर महानगर पालिका ने निकाला तो इस टेंडर को रद्द करने की मांग पर नरेंद्र मेहता ने अपना एक वीडियो जारी किया, और इस वीडियो जारी करके उन्होंने इस टेंडर के लिए गीता जैन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया, और यहां तक कहा कि गीता जैन जो कि एक जैन होकर शहर में बूचड़ खाना ला रही है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता ने बड़ा आरोप गीता जैन के ऊपर लगाया, जिसके बाद गीता जैन ने पलटवार करते हुए नरेंद्र मेहता के आरोपों का उत्तर दिया। वीडियो में आप आगे दोनों ही विधायकों के बयान को सुनेंगे कि दोनों ने क्या कुछ कहा। वीडियो लंबा है, दोनों का बयान 5-5 मिनट से अधिक का है, तो अंत तक जरूर देखेगा। वो ये बोलते दिखाई दे रहे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और वहीं दूसरी तरफ गीता जैन के ऊपर आरोप लगा रहे कि गीता जैन जो विधायक है और विधायक होकर इस तरह से उनके विधायक कार्यकाल में इस तरह से बूचड़ खाना आ रहा है, तो पलटवार करते हुए गीता जैन उनके जवाब सवालों का जवाब दे रही है। तो सुनिए आगे दोनों विधायकों का, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक का क्या कुछ कहना है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग जरूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। महानगर पालिका तक जाएंगे, इस कत्लखाने को होने नहीं देंगे। अगर फिर भी ये कत्लखाना हुआ तो उसी बिल्डिंग से, महानगर पालिका की बिल्डिंग से प्रभु महावीर की सौगंध हम उड़ी मार के रहेंगे वहां पे, उस बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, लेकिन कत्लखाना होने नहीं दूंगा, चाहे प्राण जाए पर वचन नहीं जाने दूंगा इस शहर के अंदर। नमस्कार साथियों, आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। मीरा भाईंदर शहर के अंदर उत्तम शरीर क्षेत्र के अंदर कत्ल खाना खोला जा रहा है। 4 तारीख को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टेंडर निकाला है, 10 तारीख आखिरी डेट है वो टेंडर भरने की। 40 करोड़ रुपए का कत्ल खाना, मतलब यहाँ से मटन मांस की बिक्री अन्य शहरों में भी होगी और शायद एक्सपोर्ट भी हो सकता है। इस कत्ल खाने की, इस मीरा भाईंदर में आवश्यकता क्या थी? बोरीवली हमसे बड़ा शहर है, क्या वहाँ कत्ल खाना है? कांदीवली मलाड हमसे बड़ा शहर है, क्या वहाँ कत्ल खाना है क्या? तो इस मीरा भाईंदर में कत्ल खाना क्यों? मैं विधायक हमारे गीता जैन जी से कहना चाहता हूँ, तुरंत इस कत्ल खाने को आप आज के आज रद्द करें, अन्यथा वो दिन दूर नहीं, मीरा भाईंदर वाले आपके घर तक आ जाएंगे। मैं तमाम हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जैन समाज, वैष्णव समाज, ब्राह्मण समाज, सभी को कहना चाहता हूँ, इस मीरा भाईंदर में कत्ल खाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे लोगों को हमने चुना था कि ये हमारे शहर के अंदर कत्ल खाने लाए, अब समय आया है कि इनकी कुर्सी खाली कराए और इनसे जवाब पूछे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हूँ, मैं कर्म से और धर्म से जैन हूँ, और मेरा जैन समाज के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन सभी आस्थाओं का पालन करूं। हमने खाने पे कभी विरोध नहीं किया, जो चल रहा है उसका कभी हमने विरोध नहीं किया, लेकिन जिस शहर के अंदर हजारों पशु पक्षी रोज कटेंगे,
वहाँ पे पर्यावरण की दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उनकी जितनी चीख निकलेगी उतनी नेगेटिव एनर्जी शहर के अंदर फैलेगी, इसलिए कत्लखाना इस शहर के अंदर ना हो ऐसा हमारा सभी का विचार है। क्योंकि इस शहर के अंदर बड़े बड़े महान मंदिर है, एक तरफ जैन बावन जिनाले, एक तरफ इस्कॉन टेम्पल है, धारावी मंदिर है, कई सारे ऐसे पवित्र स्थल है। इस कत्लखाने की आवश्यकता नहीं है, मीरा भाईंदर धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है। आज बड़ा दुख हुआ कि हमारे विधायक जो है इस शहर में कत्ल खाने ला रहे, हमने इसलिए चुना था कि मुझे शर्म आ रही है आज कि वो भी जैन है और हम भी जैन है और एक जैन समाज का व्यक्ति कत्ल खाना ला रहा है, इस बात के लिए कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अब वो आपसे यही कहेंगे आके कि मुझे पता ही नहीं, दूसरे खोल रहे, तीसरे खोल रहे। अगर आपको नहीं पता है तो राजनीति में रहने का आपको कोई हक ही नहीं बनता है कि आप इस शहर में राजनीति करो। अगर आपको नहीं पता है कि आपके नाक के नीचे आप ही के विधानसभा क्षेत्र के अंदर कत्ल खाना खुल रहा है, पूरे शहर को पता है और आप विधायक हो के आपको नहीं पता, फिर हम कुछ कहेंगे तो कहेंगे कि वो आदमी बोलता बहुत है। अरे मैडम, अगर ये कत्ल खाना बंद नहीं हुआ ना तो जनता आपको उठा के किस तरफ फेंकेगी आप उसका पता नहीं चलेगा आपको। मैं तमाम शहरवासियों से कहना चाहता हूँ कि मंगलवार को सुबह भाईंदर वेस्ट में अहिंसा चौक से हम आंदोलन करेंगे और महानगर पालिका तक जाएंगे, इस कत्ल खाने को होने नहीं देंगे। अगर फिर भी ये कत्ल खाना हुआ तो उसी बिल्डिंग से, महानगर पालिका की बिल्डिंग से प्रभु महावीर की सोगन हम उड़ी मार के रहेंगे, वहां पे उस बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, लेकिन कत्ल खाना होने नहीं दूंगा, चाहे प्राण जाए पर वचन नहीं जाने दूंगा। इस शहर के अंदर मैं चुनाव जीतू या हारू कोई फर्क नहीं गिरता है, वोट मिले या ना मिले, लेकिन मैं इसकी रक्षा अवश्य करूंगा। मैं फिर कहता हूँ, खाने के ऊपर हमारा विरोध नहीं है, ना उसके अंदर चल रहा है परंपरा पे विरोध है, लेकिन इस शहर में कत्ल खाने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में कितने बड़े बड़े शहर है, कौन से शहर में कत्ल खाने, जरा बताए हमें, इसी शहर में कत्ल खाने। और तो और उत्तन वाले भी आपका साथ नहीं देंगे, उत्तन वाले के ऊपर पहले ही आपने घन कचरा पकड़ डाला है, अब ये पशु पक्षियों का आप डालोगे तो वह आपको वहां रहने भी नहीं देंगे। और मुझे विश्वास है आप आकर यही कहेंगे मुझे पता नहीं, मैं मुख्यमंत्री से बात करती हूँ, मैं लेटर देती हूँ, फिर बोलेंगे मुख्यमंत्री ने रद्द किया। अरे रद्द तो आप क्या, आपकी छाया को भी करना पड़ेगा रद्द, इतनी ताकत हम रखते, रद्द कराने की कैपेसिटी और औकात और ताकत भी रखते। ये जनता आपसे सवाल का जवाब लेके रहेगी, मैं बाद में किसी दिन इस बारे में आपसे फुर्सत में बात करूंगा, लेकिन लगा लेना एड़ी चोटी का जोड़, अगर आप में ताकत हो तो बना के दिखा देना, आप कैसे बनाते हम भी देखते। ये प्राण चले जाएंगे लेकिन आपको एक ईंट रखने नहीं देंगे, ये वादा है नरेंद्र मेहता का आपको, इसलिए ख्याल रखिए सोच समझ के, क्योंकि आज आपने राजनीतिक वार नहीं किया है, आज आपने मेरी आस्था के ऊपर वार किया है, और आस्था के ऊपर जिसने वार किया है वो हमेशा उसने मुंह की खाई है, और आपको भी इसका जवाब भी देना पड़ेगा, समाज को भी देना पड़ेगा, तमाम हिंदू धर्म को भी देना पड़ेगा। छोड़ दीजिए अपने आप को हिंदू शेर नहीं बोलने का, मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, इस दिन के लिए नहीं चुना गया था आपको, राजनीति अपनी जगह के ऊपर है, आस्था और श्रद्धा अपनी जगह के ऊपर है। ये कत्ल खाना अगर खुला, मैंने कहा है कि प्रभु महावीर की सौगंध खा के कहता हूँ बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, वो दिन आएगा नहीं, क्योंकि रद्द करने की कैपेसिटी, औकात और ताकत हमारे अंदर है, आप में कितनी मुझे पता नहीं, क्योंकि आप यही कहेंगे मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ, लेटर दे रही हूँ, अभी मुख्यमंत्री ने कैंसिल कर दिया, वो तो हम भी करा लेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं। खाली आपको बता रहा हूँ कि आपने जो षड्यंत्र किया ना इस मीरा भाईंदर वासियों के ऊपर, वो भूलेंगे नहीं हम। और आप मुझे पता है क्या कहिए, मुझे पता नहीं, मैं देखती हूँ, तो फिर राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब मिलते हैं मंगलवार को सुबह 11 बजे अहिंसा चौक पे भाईंदर वेस्ट, वहां से हम नगर पालिका जाएंगे। इस कत्ल खानों को दोस्तों रोकना जरूरी है, हजारों पशु पक्षी कटेंगे, आहट निकलेगी, नेगेटिव एनर्जी आएगी और इस शहर से फिर अलग अलग जगह सप्लाई किया जाएगा, शायद एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, इसे रोकना जरूरी है। मांस मच्छी खाने वाले भी अपने घर के नीचे दुकान नहीं खोलते, इतना मुझे पता है, इसलिए आप सब मेरा इसमें साथ देंगे। बात खाने की नहीं है, बात हमारे पर्यावरण की रक्षा की है और आस्था की है। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महावीर। मैडम, आपके चुनावी क्षेत्र 145 में उत्तम में एक कत्ल खाना बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तीव्र विरोध ये कत्ल खाने का है, और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई टेंडर कॉरपोरेशन नहीं निकाल सकती जब तक हमारा डीपी फाइनल होके नहीं आ जाए। हमने ऑलरेडी जो आरक्षण डीपी में बताया गया है कत्ल खाने का, उसका विरोध पहले ही कर दिया है, यानी मुझे बिल्कुल अश्योरेंस है कि वो डीपी में आरक्षण कत्ल खाने का नहीं आएगा। हाँ, ये टेंडर
उसके पहले अगर मैं 1% समझू के हो जाएगा तब हम समझेंगे कि टेंडर निकल सकता है, वो होगा नहीं, लेकिन अगर हो भी गया तब हमारा तीव्र विरोध होगा। देखिए, एक तो कत्लखाना वहां होना नहीं चाहिए, दूसरा आप उत्तन वासियों पे कितने और जुल्म करना चाहते हो, वहां डंपिंग ग्राउंड भी वहां देंगे, वहां यार्ड भी देंगे, वहां आप कत्लखाना भी देंगे, तो सब जुल्म सहने के लिए क्या उत्तनवासी मिलते हैं? नरेंद्र नेताजी ने आरोप लगाया है कि 145 विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा कत्लखाना बनने जा रहा है और ये बात विधायक को पता नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और सीधे आपके ऊपर आरोप लगाया। मैंने तो कहा कि मुझे पता नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि ये टेंडर इलीगल है, उसे कैंसिल करना ही होगा, और ये टेक्निकल कमिश्नर भी इस बात से अग्री करेंगे कि यस, जब तक आरक्षण नहीं होता है, डीपी फाइनल नहीं होता है, हमने ये टेंडर गलत निकाला है। मैडम, एक सवाल ये है कि नरेंद्र मेहता कहते हैं कि अगर 10 तारीख आने वाले जो 10 तारीख है उस दिन तक अगर वो टेंडर कैंसिल नहीं हुआ तो मीरा बहन महानगर पालिका की जो बिल्डिंग है उसके टेरेस में जाएंगे और वहां से छलांग लगाएंगे। क्यों ये जब जब इलेक्शन आता है उनको ये स्टंट करना जरूरी है क्या? क्यों ये स्टंट कर रहे हैं क्या? उनको ये छोटी सी टेक्निकल चीज मालूम नहीं है? वो भी आमदार रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज क्या उनको मालूम नहीं है कि ये टेंडर इलीगल है और वो लेटर देना है? या हो सकता है शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज टेक्निकल है, शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज। मैं 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए, तो ये टेक्निकल चीज है, ये टेंडर बिल्कुल कैंसिल होके रहेगा, और ऐसा स्टंट इलेक्शन के समय करना ऐसे लोगों की आदतें होती है। क्या मैडम ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासकीय अधिकारियों के मिलीभगत से आपको बदनाम करने के लिए ये अभी चुनावी माहौल में कत्लखाने का ही टेंडर पास किया गया? बिल्कुल हो सकता है, और इसके तहत तक मैं जाके रहूंगी और मैं कमिश्नर से ये पूछ के रहूंगी कि आपको क्या हक है कि जब तक डीपी आपका फाइनल नहीं हुआ तब तक आप ये टेंडर कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, वो ये बताने को तैयार नहीं है, जो फंड है 40 करोड़ बार बार बता रहे हो, आया कहाँ से, उसका फंड महानगर पालिका इस्तेमाल करेगी या कहाँ से, बताने को तैयार नहीं था, आपको पता है कुछ उसके बारे में? देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि वो तैयार नहीं, इसका मतलब इसमें क्या गोलमाल है उसका पता अब हमें लगाना पड़ेगा। क्या तकलीफ है? अगर फंड आया है, मेरे जितने फंड आए बाकायदा लेटर है और मैं छाती ठोक के कहती हूँ कि मेरा फंड इसके लिए आया है, तो अगर कमिश्नर इस बात से बहुत साफ सुथरे हैं तो ये बता दे कि ये फंड आया कहां से है, किसके फॉलो अप से आया है और वो कैसे उन्होंने ये टेंडर निकाला है, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास फंड नहीं है। हर बार वो कहते हैं नरेंद्र मेहता, जैसे आज उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार कहा कि मैडम विधायक मैडम को पता नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, विधायक उन्हें कहा नहीं है, तो उनको ये टेंडर के बारे में पता कैसे नहीं है? पर मैं फिर कहती हूँ कि कुछ ज्ञान उनको अब लेने की जरूरत है। अच्छा, ये कभी सम्मान से बात तो कर ही नहीं सकते, महिलाओं का अपमान तो इनके नेचर में है, पूरे देश भर की महिलाओं को उन्होंने अपमानित कर रखा है और अब ये कहते हैं कि पता नहीं है। अरे आपको क्या पता, मुझे पता है कि नहीं? आप कैसे ग्रहित धर सकते हैं कि भई आपको पता नहीं है, मुझे आप ये बताइए सबसे पहली बात। तो ये हर बार ये इलेक्शन स्टंट है। मैं फिर कहती हूँ, 10 तारीख तक क्यों राह देख रहे, कूदना है तो अभी कूद जाओ भाई, 10 तारीख तक राह देखने की क्या जरूरत है? इसका मतलब उनको पता है कि ये मैडम ने जो पत्र लिखा है ये कैंसिल होने का, इसलिए टेंडर कैंसिल होगा, और मुझे ऐसा कोई स्टंट करने से मैंने नाम भी कर लिया, लोगों तक ये संदेश भी पहुंचा दिया और स्टंट करना भी नहीं पड़ा। तो बेसिकली ये स्टंट करना, झूठ बोलना उनके स्वभाव में है। मैडम, ये जो नया स्टंटबाजी निकली है छलांग लगाने वाली, अभी कुछ दिन पहले मंत्रालय में भी डेप्यूटी स्पीकर ने छलांग लगाई, अब ये सेम इसी प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि मैं 10 तारीख को छलांग लगा दूंगा, क्या कहेंगे इस बारे में? बिना जाली की बिल्डिंग ढूंढ के छलांग लगाना, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ऐसे है, पूरे मीरा भाईंदर को जिनकी वजह से शर्मसार होना पड़े वैसे उनके कृत्य है, जितना भ्रष्टाचार, जितना बाकी के केसेस आप अगर उनपे देखेंगे तो उनको तो सीरियसली छलांग लगा लेनी चाहिए। मैंने एक सवाल उनसे ये भी पूछा था कि डिंपल मेहता के कार्यकाल में जब महापौर थी तभी भी इन्होंने कत्तल खाने के लिए ही एक फंड पास करवाया था, हाँ। तब तो आपने विरोध नहीं किया था। मैंने इसीलिए कहा कि ये स्टंट है, अपना किया हुआ गलत आदमी भूल जाता है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्या गलत किया वो आदमी भूल जाता है और फिर तुरंत स्टंट करने के लिए जब ऐसे कूद पड़ते हैं तब मुंह की खानी पड़ती है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।